आम हर खासो आम को पसंद है, लेकिन यदि सरकार एक आम के लिए डाक टिकट जारी करे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मिठास और गुण कितने खास होंगे। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे आम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आमों का राजा भी कहलाता है। इस आम की खास बात ये भी है कि इस आम का सेवन डायबिटीज के मरीज भी कर सकते हैं। मैं पिछले 7 साल से डायबिटीज पेशेंट हूँ। डायबिटीज पेशेंट के लिए सुंदर जा आम जो रीवा में काफ़ी पॉपुलर है, वो उसमें कम मात्रा में शुगर रहता है और डायबिटीज के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। हमने कई बार ये सुंदर जा आम खाए हैं और अभी भी दिन में एक दो बार ले लेते हैं। ये एक ऐसा आम है जिसे डॉक्टर डायबिटीज के मरीजों को खाने की सलाह भी देते हैं। डायबिटीज के मरीज जो हैं, फल में जैसे कुछ फल तो हैं जो कि उनको खाना भी चाहिए, जैसे जामुन है। इसके अलावा अपन नाशपाती भी कहते हैं खाएं। इसके अलावा फल जो कम मीठे हैं उसको भी वो एक दो पीस ले सकते हैं। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो फल नहीं खा सकते। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली आम की करीब 213 प्रजातियों में से सबसे प्रमुख सुंदरजा है। क्योंकि यहाँ पर पुटलिया फार्म में हम लोग क्या करते हैं कि नेचुरल तरीके से पकाते हैं उसको, दवाई जो कार्बाइड एथिलीन वगैरह से कोई पका। जब पेड़ से आम पकने लगता है बस उसी दौरान इसकी हार्वेस्टिंग कराते हैं हम लोग और फिर सेल आउट करते हैं। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में रीवा जिले के गोविंदगढ़ की देन है जो अब पूरे देश की नर्सरियों में पाया जाता है। हम लोग इसकी सप्लाई रीवा में, जैसे रीवा से सटे हुए जो यूपी बिहार पश्चिम बंगाल तो नहीं, फिर भी कुछ एक जो कस्टमर है हमारे पुराने तो उनको हम लोग जरूर सप्लाई करते हैं। दिल्ली जाता है, भोपाल तो हर साल जाते भेजते हैं हम लोग, और पुणे भेजते हैं सुंदरजा हम लोग यहाँ से। तो हम लोग का गोविंदगढ़ में ओरिजिन है इसका, फिर वहाँ से इसको सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया उद्यानिकी विभाग की तरफ से, एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। तो आज ये पूरे मतलब इंडिया में लगभग सब जगह इसकी डिमांड है, हम लोग सब जगह सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमेरिका सहित अरब देशों में सुंदरजा अपनी खासियत के चलते आम प्रेमियों को लुभाता है। इतना ही नहीं, वर्ष 1968 में भारत सरकार की ओर से सुंदरजा आम के नाम से 50 पैसे वाला एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। आम तो यहाँ कई प्रकार के हैं, करीब सैकड़ों प्रजातियाँ हैं, लेकिन इसमें जो मेन है आम का जो पहचान है वो सुंदरजा की है। लंगड़ा, दशहरी, चौंसा, हाथी झूल और बनराज और हापुस, ये सब आम यहाँ हैं। सुंदरजा हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा मात्रा में उत्पादन भी होता है और फ्रूट की क्वालिटी जो है वो भी बहुत शानदार है और शुगर कंटेंट कम है इस पर बहुत। अदरवाइज लंगड़ा खाएंगे या कुछ और चीज़ खा रहे हैं तो वो तो फिर शुगर की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, उनको तो आम खा ही नहीं पाते बेचारे। सुंदरजा के एक छोटे से पेड़ में 100 से 125 किलो की पैदावार होती है और एक आम का वजन 200 से 500 ग्राम तक होता है। गोविंदगढ़ के किला परिसर में मौजूद आम का बाग और सुंदरजा के पौधे रीवा राजघराने की देन है और ये सुंदरजा आम रीवा राजघराने की खास पसंद में शामिल रहा है। और महाराजा मार्टन सिंह जो है उन्होंने इसकी मैंने ब्रीड को तैयार करवाया था अपने गोविंदगढ़ किला में, जो आज भी गोविंदगढ़ के किला में है और उसी की ही ब्रीड पूरे रीवा विंध्य क्षेत्र में ही सब जगह फैली, पूरे एरिया में, लखनऊ वगैरह। आज तो पहले लखनऊ की दशहरी वजह से फेमस थी, वैसे ही हम लोग के यहाँ का जो सुंदरजा है वो फेमस है। अब हम लोग के यहाँ से सुंदरजा ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पौधे भी जाते हैं और फल भी जाता है वापस यूपी। एक टाइम था कि यूपी से दशहरी आती थी पर आज की डेट में हम लोग के यहाँ से वापस जा रहा है। गोविंदगढ़ की पहचान यूं तो सफेद शेरों से रही है और आज विश्व भर में मौजूद सफेद शेर रीवा के इसी गोविंदगढ़ की देन है। सफेद शेरों के बाद अब सुंदरजा आम भी देश और विश्व के अन्य देशों में मशहूर हो चुका है। उसकी जो सबसे अच्छी चीज है कि वो उसकी जो प्रिजर्विंग क्वालिटी है वो करीबन 21 दिन तक वो खराब नहीं होता। आप ऐसे ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको आप रख दें तो सिर्फ वो श्रिंक होगा, सड़ेगा नहीं। दूसरे आम कोई आप यदि नॉर्मल टेम्परेचर रूम पे कहीं रख देते हैं तो वो धीरे धीरे
श्रिंक होने के बाद सड़ने लगते हैं। ये सिर्फ सुखड़ेगा, सूखेगा, सड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।